देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत जिले से इस वक्त की मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट शहर में एक नाबालिग किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों की तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि लोहाघाट ब्लॉक के एक गांव में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के बाद जिला के एक अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। नाबालिग छात्रा के साथ क्षेत्र का एक युवक लंबे समय से दुष्कर्म कर रहा था। बालिका ने बुधवार को चंपावत जिले के अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। निरीक्षक ने बताया कि परिजनों की तहरीर के बाद आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, हर कोई हैरान है। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के प्रति जिलों में दो दिन मौसम बदलने की संभावना है। प्रति जिलों के कुछ इलाकों में बारिश से मैदानी इलाकों में तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। इससे गर्म हवाओं से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पुनर्मान के अनुसार प्रति जिलों के कुछ इलाकों में 24 और 25 मई को हल्की बारिश होने के साथ झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। उधर बृहस्पतिवार को राजधानी दून का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा। लगातार देवभूमि उत्तराखंड में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे में गढ़वाल तक की टीम आपसे निवेदन करती है कि आप अपने और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें। खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, राज्य की तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए गढ़वाल तक को भी फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।